अजमेर एसपी कार्यालय पर आज एक पीड़ित महिला पहुंची और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर पति और जेठ के खिलाफ कार्यवाही की मांग रखी है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह अपने बच्चे से मिलने चामुंडा चौराहे पर गई थी। इसी दौरान उसके पति और जेठ द्वारा उसके साथ मारपीट के साथ ही अश्लील हरकतें की गई। इसके साथ ही उसकी परिचित वहां पर मौजूद थी, तो पति और जेठ द्वारा उसके साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और उसके पैसे और डॉक्यूमेंट चुरा लिए। पीड़ित महिला ने बताया कि इस संबंध में उसने गंज थाने में मामला भी दर्ज कराया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस संबंध में आज वह एसपी कार्यालय पहुंची और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर पति और जेठ के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। 17/9/21 को मैं चामुंडा चौराहे पे मेरी एक जानकार के साथ मेरे बच्चे से मिलने के लिए जाती हूँ। थाने वालों ने उन्हें पाबंद कर रखा है, गंज थाने वालों ने। जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मेरे पति और उनके दोनों भाई और उनके पड़ोस में रहते हैं, वो लोग मेरे साथ मारपीट करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। और जो मेरी जानकार है उसका पर्स चुराते हैं, उसमें 20,000 रुपये, सोने की चेन उसने पहन रखी थी, रिंग उसकी रखी हुई थी। और उसके साथ मतलब उसके साथ भी वो गंदी हरकतें वो लोग करते हैं, अश्लील हरकतें। शिकायत दी थी आपने? हाँ, मैंने शिकायत दी थी। कौन से थाने में? गंज थाने में। कार्रवाई हुई? कार्रवाई उन्होंने पाबंद कर दिया था। हाँ। उसके बावजूद भी उन्होंने ना मुझसे जो मैंने शिकायत दी थी उसके बाद उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो आज क्या किससे मिलने आए आप? आज मैं एसपी साहब से मिलने आई हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने जो हरकतें मतलब करी है तो उन पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, वो लोग खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। कौन कौन है वो, नाम मत बताए, कौन कौन लोग हैं? पति और उनके भाई। अच्छा। मतलब मेरे जेठ और उनके जो सामने रहते हैं हमारे पड़ोसी। अलग रह रहे हो क्या आप अपने पति से? हाँ। कितने समय से? साल भर से। कारण क्या है अलग रहने का? क्योंकि वो शुरू से मेरे साथ मारपीट करते हैं। और जो तो बच्चा उनके साथ रहता है? हाँ, उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे चुरा लिया। तो आप कार्रवाई चाह रहे हैं उनके खिलाफ? हाँ, ठीक है। हम आज यहाँ एसपी साहब को एक शिकायत देने आए हैं, जो इन महिला के साथ में जो हुआ है, इनके परिवार वालों ने, पति ने, जेठ ने और जो आठ पड़ोसियों ने इनके साथ जो अश्लील हरकतें करी है और मारपीट करी है, इस संबंध में गंज थाना में भी रिपोर्ट दी है, FIR भी कट गई है, लेकिन अभी भी आरोपीगण बाहर घूम रहे हैं, जिस कारण ये महिला काफ़ी दहशत में है। तो इसी संबंध में हम आज एसपी साहब के पास आए हैं, यही अपनी मांग लेकर, अपनी शिकायत लेकर कि जो आरोपीगण हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, आपका नाम बता। सुचित्रा धनजय।